नमस्कार दोस्तों, आर हेल्थ पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश्वर मधुकर। दोस्तों, मदार पर कई वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं, जिसमें मदार के बारे में जानकारी दी गई है कि मदार एक ऐसा औषधीय पौधा है जिसका उपयोग हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है और जिसका उपयोग करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि आप जो हमारे आसपास में जो पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, जो खरपतवार हैं, उनके औषधीय गुणों को जान करके आप अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहें। बस यही इसी उद्देश्य से हम कार्यक्रम का निर्माण करते हैं। मदार पे पूरी एक सीरीज हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं, जो मदार के विभिन्न प्रकार के मदार के फूल, मदार के पत्ते, मदार के डंठल, मदार के जड़ आदि के क्या औषधीय उपयोग हैं और कैसे इनका उपयोग करके हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, इस बात की जानकारी इस पूरे सीरीज में दी जा रही है। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी ये पूरी सीरीज ज़रूर देखें। और ये आर हेल्थ जो है, ये देशी जो वनस्पतियाँ हैं उन पर आधारित ये चैनल है, इसलिए ये बहुत ही उपयोगी है और उसका उपयोग हम सबको करना चाहिए। मदार सीरीज के अंतर्गत आज हम आपको एक नया वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से हम ये बताएंगे कि मदार का फल जो है उसके औषधीय गुण क्या क्या हैं और इन मदार के फल का इस्तेमाल करके किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और इस्तेमाल करके कैसे अपने को स्वस्थ रखा जाए। ये बहुत ही उपयोगी फल है, जिसे आप स्क्रीन पर आप इस समय देख रहे हैं, ये है मदार का फल। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ने देखा भी होगा, ये मदार का फल जो है ये बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये स्वास्थ्य का रक्षक समझिए हमारे लिए यह है। इसलिए आज हम इसी पर आपसे वार्ता करेंगे कि मदार का फल जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी है। ये पहले मदार में आप देखेंगे कि मदार में ये फल के जगह पे पहले मदार में फूल आते हैं, और ये देख रहे हैं छोटे छोटे स्क्रीन पर इस समय आप देख रहे होंगे कि ये जो सफ़ेद रंग का फूल है, ये पहले इसमें मदार में फूल आता है और फिर फूल आने के बाद यही फूल आगे चल कर के और फूल से फल बन जाता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पहले फल आने के पहले किसी भी पौधे में पहले फूल आता है और ये फल बन जाता है। वही फल हमारे लिए कितना उपयोगी है उसी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। हम आगे बढ़ें उसके पहले या एक बात आपसे बता दें कि मदार में दो तरह के फूल निकलते हैं, एक सफ़ेद फूल होता है जो आप स्क्रीन पर इस समय हमारे देख रहे हैं और एक हल्का गुलाबी रंग का फूल होता है। लेकिन चिकित्सा की दृष्टि से ये दोनों फूल हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इसमें भेद नहीं करना चाहिए। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उसके पहले आपसे एक निवेदन कि अगर आज तक आप लोगों ने हमारा ये नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, तथा कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको अगर किसी खास वनस्पति के बारे में वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करनी है तो आप बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मदार एक बहुत ही लाभकारी पौधा है, जिसकी खेती नहीं होती बल्कि अपने आप उगता है। प्रकृति ने हमारे लिए इसे भेजा है। ये दांत की पीड़ा, मिर्गी, कर्णशूल, श्वास रोग, खांसी, रक्त अतिसार, अपच, पीलिया, भगंदर, नाड़ी घाव, मूत्र रोग, उकवत, बांझपन, लकवा, गांठ एवं बात, दाद खाज, पाँव में छाले और तमाम रोगों की यह एक अकेला दवा है, जिसमें इसके
कहीं फूल, कहीं फल, कहीं पत्ते, कहीं डंठल, कहीं जड़ का उपयोग करके इतने सारे रोगों की दवा ये अकेला मदार का पेड़ है। दोस्तों, ये मदार का फूल जो आप देख रहे हैं, ये फूल से फल बनता है, मैंने पहले भी आपसे बताया, और ये है मदार का फल। ऐसा होता है मदार का फल, और ये फल जब पेड़ में पक जाता है, पकने के बाद जैसे सेमल से रुई निकलती है, सेमल के रुई जैसे ही इस फल से रुई निकलती है, और ये रुई हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। जैसे किसी आदमी को अगर चोट लग गया, खून बह रहा है और खून रुक नहीं रहा है, ऐसे में अगर मदार के रुई को लेकर के और जहाँ कटा हुआ जगह है, जहाँ से खून बह रहा है और रुक नहीं रहा है, उस जगह पे अगर मदार की रुई लगा दी जाए तो तुरंत यह खून को रोक देता है। इस इतना महत्वपूर्ण है ये कि ये बहते हुए खून को, चोट लगने के बाद बहते हुए खून को तत्काल मदार की रुई ये बंद कर देता है। तो है न ये फल बहुत ही चमत्कारी। इसके अलावा जिस आदमी को सरदर्द की बहुत समस्या हो, साइनस की समस्या हो, सरदर्द की समस्या हो, अधकपारी की समस्या हो, उन समस्याओं में, सरदर्द के समस्याओं में अगर मदार के रुई का तकिया बना करके और अगर लगाया जाए तो वो ये इस समस्या से, सरदर्द से और जो अधकपारी है उसकी समस्या से आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। तो ये रही जानकारी कि मदार का फल हमारे लिए कितना उपयोगी है। हम शीघ्र मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को आज्ञा दीजिए नमस्कार, और देखते रहिए दोस्तों हमारा ये चैनल आर हेल्थ।